हर हर महादेव। दिव्य ज्योति चैनल की जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी लोगों को नमन करते हुए सभी लोगों से सादर आग्रह है कि आप लोग मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी जरूर बजाएं। तो आज आप लोगों को सन 2023 में तुला के केतु का गोचर फल क्या होगा, मैं सभी राशियों पर बतलाने जा रहा हूँ कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक केतु का गोचर फल क्या होगा। इस पे तो तुला के केतु का गोचर फल, तो आप लोगों के बदलाव कि मेष राशि के जो जातक हैं ध्यान से सुने और वीडियो को देखें कि तुला के केतु का गोचर फल क्या होगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि वालों को सातवें भाव क्या है, केतु पूज्य है, पारिवारिक मनमुटाव, नित्य जीवन में कुछ कठिनाई अवश्य रहेगी, नौकरी व्यापार में जो है क्या होगा और जीविका में आपकी क्या होगी सुरक्षा बनी रहेगी, ऐसी स्थितियां आपकी बन रही मेष राशि के जातकों के लिए। अब जो है दूसरी राशि वृष राशि के जातकों को मैं बतलाने जा रहा हूं कि जो वृष राशि के जो जातक हैं तुला में केतु का जो है क्या फल होगा ये बतला दें। तो वृष राशि वालों को जो है छठवें केतु क्या है शुभ जो है प्रभावी होने से क्या होगा आपको बता दें, राहु जनित अशुभ जो है प्रभावों को कम करने में क्या होगा सहायक रहेगा कौन केतु, राजकीय सहायता पा सकेंगे, आमदनी के नए जो है स्रोत बनेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए केतु क्या है लाभकारी है। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि उनके लिए केतु जो है तुला के केतु का गोचर फल क्या होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में केतु क्या है पूज्य, विशेष जो है प्रयत्नों से आर्थिक लाभ मिलेगा, सामाजिक राजनीतिक लोगों को जो है क्या होगा सफलता के अवसर मिलेंगे, प्रियजनों से सहयोग संपर्क बढ़ेगा। दूसरी राशि आपकी जो है जो नेक्स्ट है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए जो है आपको बता दें कि तुला के केतु का गोचर फल कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों को चतुर्थ जो है केतु क्या है अशुभ है। आपको बता दें कि जो भी आप कार्य चालू करेंगे धंधे जो उसमें क्या होगा बाधक होगा, बाधक की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको बता दें शरीर कष्टमय रहेगा, मति भ्रम करेगा, अपव्यय करेगा, दुर्घटना आदि की संभावना बनेगी। ये आपके कर्क राशि के जातकों के लिए केतु की स्थिति बन रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि तुला के केतु का गोचर फल कैसा रहेगा। तो जो हमारे आपके जो है सिंह राशि है उनके लिए क्या होगा, तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो है तृतीय भाव में जो है क्या है केतु जो है शुभ प्रभावी होने से राहु जनित परेशानियां कम होंगी, श्रम संघर्ष के बावजूद रोग ऋण शत्रु का भय दूर होगा, भूमि वाहन आदि का जो है सुख मिलेगा। अब जो कन्या राशि के जातकों के लिए जो है तुला के केतु का गोचर फल कैसा होगा, तो जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनको बता रहे हैं कि द्वितीय जो है भाव में केतु क्या है पूज्य है, आपको धर्म पक्ष के प्रति सचेष्ट रहें, अन्यथा जो है आपको बता दें असावधानी या दैवी जो है विपदा से जो धन हानि होगी, वाणी की कठोरता से लोगों के संबंध कटु होंगे। और जो है दूसरी राशि आपकी जो है नेक्स्ट जो है क्या है तो तुला राशि है। तो तुला के केतु का गोचर फल तुला में क्या होगा केतु का, तो तुला राशि वालों को जो है जन्मस्थ जो है जन्म से ही जो है केतु श्रम संघर्ष की शक्ति देकर जो है सफल जीवन का मार्ग जो है प्रशस्त कर रहा है, धन भाव सज्जनों से आंतरिक पीड़ा प्रशासनिक अवरोध विरोध आपको बता दे कि धर्मबल और दैनिक कठिनाइयों से पूर्ण सुरक्षा देगा कौन केतु, इसके लिए तो तुला राशि के जातकों। आप जो है नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि जो है वृश्चिक राशि के लिए जो है तुला के केतु का गोचर फल कैसा होगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों को द्वादश भाव में केतु क्या है अशुभ होगा, इस कारण जो है स्वास्थ्य के प्रति आपको बता दे स्वास्थ्य के प्रति जो है यदा कदा सफल आपको बता दे सचेष्ट रहना होगा नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी, निरर्थक यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश यात्रा का भी जो योग बनेगा। आपको बता दें कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए हठवाद आपकी जो बढ़ेगी जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अब धन राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि धन राशि के जातकों के लिए तुला के
केतु का गोचर फल कैसा रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए, तो धनु राशि वालों को एकादश केतु शुभ प्रभाव बढ़ाने वाला है, राहु के जनित जो है दुष्प्रभावों को कम कर जो है आपको बता दे लाभार्जन की स्थिति अनुकूल रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। और वे मकर राशि के जातकों के लिए बता दे कि केतु का जो है आपको तुला के केतु का गोचर फल कैसा होगा, तो मकर राशि वालों को जो है समस्त दशम भाव जो है केतु शुभ जो है प्रभावी होने से राहु के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और बुद्धि चतुरता से जो है काम क्या बनेंगे, काम चतुरता से क्या हो जाएंगे, बनने लगेंगे, ऐसी स्थितियां उनकी जो है बनेंगी। ये बतला दें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है आप बतला दें कि तुला के केतु का गोचर फल कैसा होगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए केतु क्या है पूज्य, नवम भाव में केतु क्या है पूज्य। घर परिवार के बता दें, जो घर परिवार है, घर परिवार के जो है जो दायित्व होंगे वो बढ़ेंगे, किंतु उनका क्या होगा, उनकी सफलता में क्या होगा, निर्वाह होगा। वृद्धजनों को जो है तीर्थ यात्रा का जो है योग बन रहा है तथा विदेश जाने का भी जो है योग बन रहा है, आपको बता दें। और मीन राशि के जातकों के लिए जो है तुला के केतु का गोचर फल कैसा होगा, तो मीन राशि वालों को आठवें केतु क्या है, कष्टप्रद है, आप बतला दें कि आय में प्रगति व्यापार में सफलता नहीं रहेगी, आपको बता दें कि आठवें केतु क्या है, कष्टप्रद है, और आय में प्रगति व्यापार में सफलता नहीं रहेगी और क्रोध की अधिकता से जीवन जो है क्या होगा, कष्टदायी होगा और परिवार में जो है विघटन की स्थिति बनेगी। आप लोगों को मैंने बताया कि सन 2023 में तुला के केतु का गोचर फल वर्ष के प्रारंभ से 30 अक्टूबर 2023 तक कैसा रहेगा, किन किन राशियों के लिए क्या क्या लाभ हानि हो सकती है, आप लोगों को मैंने बताया। मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।